أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح रब्दिन तो आज सूर्य वाक़ की ये जो चंद आयत यहाँ लिखी गई है इनका इंशाल्लाह हम इन श्रामेटिकल देखेंगे इससे पहले क्लासों में हमने तकरीबन तीन चार क्लासेस इस सूरत पे दी है तो हजब मामूल शुरू करते हैं व ला तौर में ममा यशता वाहौर नईन वाहौर वा यहाँ जो है

तीसरा चौथा मिम्मा फिर हूं ठीक हो गया तो एक दो तीन तो वाहफ और, और के मीनिंग में आज हम जानते हैं लाहमी तयरे ये लाह लाहमु होना चाहिए था देखिये इसमें लाहमुन गोश्त को बोलते हैं तो ये जमा है परिंदे की जमा तो से तो तो दो इसम साइड बाई साइड आ रहे हैं फिर मीम माँ ये मिन प्लस माँ का कंस्ट्रक्शन है यशता है क्योंकि इसमें यह है साइड से ठीक फिर हमने कहा जहाँ भी दो इसम इकट्ठे आए तो इसमें दो मोटी पॉसिबिलिटी या तो मुरकबे तो होगा या मुरकबे इजाफी अच्छा इसको लिख लेते हैं लाहमु यहाँ पे आपका सामने सी जो है वाव है ये हम जानते ये भी आता है और फिर जा राम इसका मतलब ये लाहमु तो होना चाहिए ठीक तो अगर ये लाहमु तोयरिन है तो पहला इसम हालत रफम में, दूसरा इसम हालत में इसका मतलब ये जो है आपका मरकब इजाफी हो गया तो मरकब इजाफी का तर्जमा ऐसे होगा तोयरुन ये तौईरुन से तोयरुन की उसका जमा यानी परिंदे और लाह मनम गोश्त को कहते हैं और चूंकि ये मुरकबे इजाफी तो परिंदू का गोश्त या परिंदे का गोश्त इसका मीनिंग आएगा तो परिंदों का गोश्त परिंदों का गोश्त मीन मा उस में से या जिस से ठीक हो गया माँ मौसूला मिन से तो और के गोश्त तो में से यशता हू न दिखे ये फैल मुजार या की अलामत है इसका जो रूट वोड़ा निकाल लीजिए तो शीन हा तो इसका रूट वोड़ा है शीन हा वाह शाहवाह तो ये वर्ड है शाहवाइव वर। शाहवात हम जानते हैं शहवत तो ये अंदर की जो है इंसान की ख्वाहिश नफसानी ख्वाहिश तो जो ख्वाहिश इंसान करेगा अब यशतः होना हो यशतान यशत होना यानी ये, 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 ये गायब मुजारे का जमा वाला सेगा वो सब ख्वाहिश करते ही करेंगे ठीक तो मीनिंग लिख लेगा और चूंकि इससे पहले जो असाब सबकिन की बहुत सारी जो है उनकी फैसिलिटीज उनकी आराम आसाइश की चीजें जन्नत में उन शरीरों पे पलंगों पे वो डिस्कस है उसके बाद और एक चीज़ है वो ला तौर मीम और उनके लिए होगा परिंदू का गोश्त और वो भी परिंदू के गोश्त में उनको क्या होगा मिम में उनसे से या जिससे उनको क्या होगा यशत यानी अपनी चाहत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुताबिक होगी उसमें भी जो चाहे खाएंगे जिस परिंदी का चाहे खा लें तो इसमें हम फसन लिखते हैं कि आ, एक रिवायत के मुताबिक उनको जो है इनके दिल में जो जो जिस जो है जो भी जन्नत में परिंदे होंगे जो भी ख्वाहिश दिल में उतरी तो वो गोश्त उनके सामने पका हुआ मौजूद होगा या कहीं पे ये भी सुनने में आता है कि अहली जन्नत वो जो साबकी ने उनके सामने से और कोई परिंदा गुजर जाए और उनको दिल में शौक हो कि ये, यार इसका गोश्त मुझे मिलना चाहिए तो वो उसी टाइम पे बिना किसी तख़िर के उनके सामने उसी फॉर्म में मौजूद होगा प्लेट पे जो उसने ख्वाहिश की होगी तो तर्जमा ये निकला और इसी तरीके से वो उनके लिए होगा परिंदों का गोश्त और परिंदों के गोश्त में उन उनकी जो ख्वाहिश है ख्वाहिश के मुताबिक उसमें वो उस जो चाहे तो खा लें या जिस परिंदे का चाहे गोश्त खा लें ठीक हो गया फिर हो गया वन आय वफ्यात हौरुन तनवीन के साथ इसम आय उन तनवीन के साथ इसम तो दो इसम एक और हर्फ और हरफिया तो और के मीनिंग है एंड के मीनिंग में हो रुन अब देखिए यहाँ पे दोनों का फिर दो आसमा इकट्ठे गए फिर वही रूल किया अमर कभी तो अमर कभी इजाफी दो मोटी चीज़ें पॉसिबल इसमें हून इसमें ये नकरा है यानी मीनंगे कोई हो या बहुत कोई भी होर आय उन ये भी नक़रा है अब आइन के दो मीनिंग है कुर पाक में एक चश्मा दूसरी आँख यहाँ हूर है हम जानते हूर वो जन्नत की जो खूबसूरत औरतें हैं तो इसका मतलब है ये तो है अब ये आइन आँख से इमाराद है तो इसका जो है मीनिंग निकलता है अब चूँकि ये ऐराब भी इनका मैच हो रहा है ये भी न करा भी न अच्छा इस पर भी तनवीन इस पर भी तनवीन ये भी हालत रफ़ाम ये हालत रफा में यह भी मोहनस ये भी मोनस तो इसम के वो तकरीबा चारों एतबार से मैच हो रहे हैं हमने ये ट्रिक दिखा ली कि जो अगर आपके पहले दो तीन मिल जाती हैं तो चौथा ऑटोमेटिक फिट हो जाता है या दो भी मिलते हैं तो बाकी दो या आराब की दो चीजें मिल रही है नकरा नकरा और फिर ये रफा रफा हालत रफा हालत रफा में तो बाकी दो चीजें ऑटोमेटिक होती है ये हमने अभी जरूर किया है तो इसको लेंगे अब हो रत होर, होर की होर आयनून मुफसर जो इसकी सिफत बन गई तो ये कहते हैं मोटी आंखों वाली या बड़ी आंखें मोटी आंखें तो हमारी आयत इतनी है और उनके लिए होगा क्या होर जन्नत में खूबसूरत होरें और वो सिफत यह कि उनकी आंखें जो है मोटी मोटी आंखें और हम जानते हैं कि ये मोटी मोटी आंखें ये इससे क्या एक ब्यूटीफाई हो जाता है यानी एक पर्सनैलिटी एक जो फीमेल पर्सनैलिटी ब्यूटीफाई हो जाती है तो इसका मतलब जो है वह उन वहाँ मोटी मोटी आंखी आंखों वाली खूबसूरत हो रही उनके लिए रखी है होंगे ठीक तो ये इसका तर्जमा है इसके बाद कहामखनून का वर्ड का है ये जो है हम जानते हैं और भी जा रहा है फिर अमसाल है फिर अलू ये कॉर्ड वर्ड है तो ये भी इसम पराम के बाद ये भी इसम ये भी इसम और ये और पिजार तो का की तरफ या इस जैसा मीन मिसल की जमा अमसाल, तो, अमसाल मिसल की जमा आ लू लू देखिये लू लू तो ये जो है पैरल जो होता है ना हमारा हीरा जो के लिए पैरल हीरा ठीक है हीरा मीनिंग तो लू लू इसका जो है रूट वर्ड लू लू तो ये एक रुबाई का यहां अभी तक हम सलासी देख रहे थे आज रुबाई का पहला वर्ड है अभी तक इसके मादे में चार रूफ है तो अब इस इसमें देख लेते फिर इसमें आ गया फिर इसमें आ गया अब दो इसमें इकट्ठे आ रहे हैं क्योंकि का की वजह से ये अमसाल अम, ये जो है अम, ये अम्सालू था अमसाली में बन गया तो अगर इसको यहां सेपरेट लिखेंगे तो ये बनेगा अमसालू अमसालुल्लुई लू तो देखिए यहाँ पहले वाले इसम में हल्का तनविन यहाँ जेर के साथ चार मजरूर इसका मतलब मुराकब इजाफी इसका मतलब क्रिस क्रॉस में मीनिंग लेंगी ठीक क्रिस क्रॉस में मीनिंग लेंगी तो लू लु लुई कहते हैं हीरा मान लीजिए हीरा हीरे या अमसाल से आ, मिसाल ले इसका या जैसा या मिसाल भी ले सकते हैं उर्द मिसाल भी आता है तो हीरे की मिसाल तो हीरे की मिसाल तो सालिन यानी ये जो हूर और आइन है ये हीरो की तरह है ठीक होगा यानी उनकी मिसाल हीरे की तरफ है क्या हीरे की तरफ है आगे डिफाइन हो रहा है कुछ अल मकनून अब फिर दो आ गए अलुई अलु अलमकनून इसका मतलब अभी चूंकि इसमें भी देखिए मुताबिकत है हालत जर है ये भी मारफा ये भी मारफा है फिर भी चारों पहलों से लग रहा है सीम है ये भी जमा ये भी जमा इसका मतलब कि ये जो है इसकी सिफत एक्ट करेगी सिफत मसुख तो वो जो हुरनआईन की मिसाल हीरू की तरह है लेकिन वो हीरा कैसा होगा अलमखनू मकान से मखनू मकन हम जानते हैं छुपने की जगह मकान छुपने की कि वहां चीज़ों को ढांप लेता है तो इसका मतलब छुपाने की मीनिंग में तो वो हीरा है वो छुपा हुआ है हम जानते हैं कि हुई जो है अभी तक उनको किसी ने छुआ नहीं किसी ने देखा नहीं तो जब जनत वहां जाएगा तो वो पहली बार उनको देखेगा तो यानी वो मीनिंग ऐसा जैसे वो तब तक वो इतने लंबे अरसे तक दुनिया में यानी इतना जब दुनिया का अरसा गुजर चुका फिर जब मैं उस जन्नत में जाएगा तो उसको अब वो उसके लिए एक मान लीजिए ये एक हीरा जैसा है ये, ये जो ये जो हरन आइन है एक हीरा है वो जो छुपाया हुआ था बहुत अरसे से तो इसकी सिफत एक्ट करता है यानी हूर आइन मोटी आंखों वाली हूर कैसी होगी उसकी मिसाल कैसी है आलो लोई उसकी मिसाल एक हीरे जैसी और वो हीरा छुपाया हुआ है बहुत टाइम तक ठीक है ना तो ये हो गया इसका तर्जुमा फिर जजा बिमा कानू या तो जजा अन बीमा कानू या तो जजान इसम हो गया तनवीन के साथ बिमा और पिजारा बी के साथ माँ मौसूला बे माँ काना काना कानू ठीक है या अमलु यह है आपका फेल क्योंकि या है या अमलु या अमलु या अमलानी तो यह आमीला है आमिला का डरावड़ आमीला से या मनोना या आमीला या अमलु या मलानी या मनोना तो ये जमा है जमा वाली फॉर्म गायब की वो सब अमल करते हैं करेंगे क्योंकि इसके साथ काना है तो वर्ड ये है एक रूल है यहाँ पे काना के साथ जब भी आपका मुबारा आएगा तो उसका मीनिंग ये बनाता है माजी इस्तमरारी। तो इसका मीनिंग माजी में लिया ले जाएगा लेकिन इस्तमरारी इस्तमरारी तो ये आपका रूल हो गया काना प्लस मुहारा तो इसका मीनिंग लिया जाएगा आ, वो अमल किया करती थी तो किया करती थी इसका माजी इस्तेमाल किया करती थी कोई भी काम किया करती थी का मीनिंग ऑलवेज निकल निकाला जाएगा तो यहाँ पे अमल किया करते थे वो अमल किया करते थे तो माने निकलेगा जजा हम जानते हैं बदला तो अभी तक जो उनको मिला जो असाब सबकिन के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है इससे पहले भी जो हमने लेसन बनाया था उसमें भी वाहमित वाली मीमा आजते हुन और परिंदों का गोश्त उसमें उसमें भी वो जो चाहे खा खा लें जिस तरह का गोश्त वो चाहे जिस परिंदे का वह हो मोटी मौट, मोटी मोटी होरे का अमसाल उनकी मिसाल इसे एक मोती की तरह वो छुपा हो छुपाया हुआ है और फिर ये सब चीज़ें उनके लिए बदला है जजान किसके बदले है? बीमा वो जो किया करती थी वो जो अमल किया करती थी ओके okay, ठीक फिर आगे चलते हैं हमारी जो लास्ट वाली आयत है ला यऊना ला यस्माऊना फी हा फी प्लस हा लगवन व फिर ला फिर तासीमन ठीक तो ला नहीं के मीनिंग में यसमा ऊना समी आ से यसमाउ समी आ से यसमा यसम यस्माँ है यसमा मुज़ार है वो सुनते हैं या सुनेंगे तो वो सुनते हैं या सुनेंगे फी हा फी प्लस हा उसमें यह हा की जिमी जा रही है जन्नत की तरफ फिर है ना क्योंकि असाब साबकिन टॉप क्लास जनती तो उसमें हाँ हम जानते जन्नत मोन से तो ये जन्नत की तरफ जा रही है जमीर जन्नत तो नहीं सुनेंगे फी नहीं सुनेंगे वो वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे उसमें वो यानी जन्नत वो असाब सा जन्नत में क्या लगवन लगु कहते हैं कोई बेहुदा बात बेफजूल बात यानि कोई फजूल बात जो भी इंसान बकता रहता है ना उसको कहते हैं ना ये लगवन उसको लगु बोलते हैं तो इसका जो है लाम और ग लगु रूट वोट तो लगवन इस्म के साथ तो बात होगा लगवन बेफूल यानी बेमतलब की बात फजूल बात जो भी बकता जा रहा है इंसान तो नहीं सुनेंगे इस तरह की भी फजूल बात वो कोई वाला और नहीं ला कोई बात तासीमन। ये से है रादरी हमजा है इस्मुन और इसमें कहते हैं गुनाह को तसीमन ये असल में तसीमन मजदर है मजदर किससे निकला है बाब तफा बाब तफ़ील का मजदर बाब तफ़ील का मजदर हम जानते हैं बाब तफील का मजर आता है तफीलन 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 और इसको अगर हम फिट करेंगे इसम को यानी हमजा फा और मीन को इस पैटर्न पे तो तामन ता देखिए सेम पैटर्न दे मस्तर है इसमन से इसका मतलब है गुना तो यहाँ ली गई कोई भी बात जो गुना हो जैसे हम जानते हैं जैसे जगुल किसी को गाली गुलूज करना तो वो तरह की बात है लाइस मन नहीं सुनेंगे वो जनती उसमें जन्नत में कोई लगन कोई लगू कोई फजूल बात वाला और नहीं सुनेंगे तक कोई गाली गलूच या कोई इस तरह की बात तो ये हो गया ला फी فيها لغوا و لا تعصيما अब आते हैं अपने लास्ट्स पे इल्ला قالا कीलन सलामन سلامات ठीक तो चार huruf पे ये आयत मुश्तमिल है तो पहले इल्ला इसको huruf पे इस्तثناء बोला जाता है huruf ए इस यानी ये किसी एक कलाम को दूसरे कलाम से किसी एक इसम को दूसरे इसम से अलग कर लेता है यानी इससे पहले जो कलाम हो इल्ला से पहले और इस पहले उसके बाद जो है दैट भी कॉन्टेरेटिव दिस ठीक हो गया तो इल्ला कीलन कीलन तो है इसम है तनवीन है तो कीलन फिर सलामन फिर इसम आ गया फिर तो कीलन हम जानते हैं कॉला से किला से कीला मजूल होता है लेकिन यहां पे चूंकि ये तनवीन के साथ हो तो ये इसम है कीलन ठीक कोई बात यहां मीनिंग बात आ जाएगा कोई बात इसम है लेकिन चूंकि दो इसम साइड में है दोबारा वही अप्रोच दो इसम साइड बाई सलामन ये भी इसम साइड बाई साइड दो इसम तो पॉसिबिलिटी या तो मरकबाप तो देखते हैं इसमें भी तनवीन इसमें भी तनवीन इसमें भी मनसूब ये भी मनसूब ठीक है ना तो दोनों में ये मोटी अलामती पाई जाती है मतलब जो रेस्ट की क्राइटेरिया है मुजाकर मोहनस और वाहि जमा वाले क्राइटेरिया वह सब मैच होंगे इसका मतलब है ये मरकब तो है ये अब इसके लिए जो है सिफत एक्ट करेगा ये सिफत मसूफ ठीक हो गया तो इसका मतलब जो है वो जो बात होगी वो सलामती वाली बात होगी तो सलामती की बात जो जो बात वो सुनेंगे लास्म लगवन नहीं सुनेंगे इसमें कोई लघु बात और ना ही की कोई, कोई गाली गुलच वाली बात जिसमें जिसपे गुना हो सिर्फ जो सुनेंगे वो क्या होगा एक्सेप्ट कीलन जो बात होगी सिर्फ सलामती की बात सुनिए तो कीलन सलामन फिर सलामन है ताकीद के, ताकीद का उसलूब है यहाँ पे यानी फिर सलामती सिर्फ सुनिए सलामती और सलामती की बात जो कॉल सुनेंगी सिर्फ सलामती सलामती ऐसे कहीं वहां सिर्फ होगा सलाम सलाम या सलामती का जो है वर्ड सिर्फ वहां बोला जा रहा होगा अमन का वर्ड बोला जा रहा होगा इल्ला कीलन सलाम सलाम वो मुलाकात कर रही होंगी सिर्फ तो एक दूसरे सलामती सलामती की बात तो सिर्फ यही बात सुनने को मिलेगी लाइस माओना फिहा नहीं सुनेंगे वो जन्नती उसमें जन्नत में कोई लगवन कोई लघु की बात वाला और नहीं सुनी कोई तसीमन कोई नकिरा कोई बेहूद यानी ये जो गाली गलोच इस तरह की कोई बात जो गुनाह उसको हम गुना समझते हैं तो तसीमन इस से गुना इल्ला जो सुनेंगे वो क्या होगा कीलन वो सिर्फ उस तरह की बातें होंगी उस तरह की कॉल होंगे, उस तरह का कलाम होगा जो सलामती सलामती का कलाम सिर्फ सलामती सलामती अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐराब के एतबार से चाहता हूँ कि यहाँ पे वो डिस्कस करें हम बेसिकराब यहाँ क्वेश्चन एक आता है कि ये जो इल्ला, इल्ला के बाद जो आपका इस्म आ गया ये हालत नस्ब में क्यों है तो रूल यह है कि रुपये इसको मिल गया यहाँ पे उसके बाद जो आपका इस्म आएगा उसमें ये डिपेंड करता है कि मां कबुल जो कलाम है या मां कबुल जो आपका जो इसम है या जो सेंटेंस है उसमें किस तरह का मूड ऑफ सेंटेंस क्या है ऐसे समझेगी अगर माँ काबल कबुल लगवन ये वर्ड है हमारा ये सेंटेंस है ला इसमा उफी या लगवन अल्लाह तसीमा तो इसमें ला नफी है ठीक अगर नफी होगा या इस्फाम होगा अगर इस तरह की चीजें माकबल रूफ इस माकबल है तो उसके बाद जो इसम आएगा वो आपका हालत रफा में भी हो सकता है हालत नस्ब में भी हो सकता है हालत जर में भी हो सकता है तो ये तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ हालत नसब में है तो एक्सेप्ट इस करके रूल यह है अगर ना वो नफी वाला कलाम हो माकबुल ना वो इस्तीफ़ाम वाला कलाम हो तो ये ऑलवेज हालत नस्ब में आएगा इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हमें रूल मताबिन हो कि रुपये इस के बाद या मुस्तना के बाद आलवेज हालत नस्ब में आएगा यानी ग्रेटर चांसेस यही है ठीक है तो रूल ये है कि अगर माकबल जो कलाम है माँ काबल जो सेंटेंस है उसमें अगर नफ़ी हो या इस्तीफाम हो तो तीनों पॉसिबिलिटीज है कि रफाफ में भी आएगा नस्ब में भी आएगा जैन में भी जो माह कबल इसम हो अगर ये नफी भी ना हो कलाम में और इस्तफाम भी ना हो या मुस्बत टाइप कलाम हो तो ये आलविज आलिन नसम में आएगा फिर इलाकिला सलाम सलाम चूंकि सिफत है फिर दूसरी सिफत है तो दैट मीनस वह आलविज आएगा तो नस्बी उनमें मुताबिक है तो ये हो गया हमारा आज का जो है सूरह वाक्य की चंद आए थे उनका ग्रामेटिकल एनालिसिसफ़ानल्लहदी फानल्बहमद इस तक फ्रकिल